Good morning, students. Today in GK, we will learn chapter number 5, that is water animals. Animals that live in water are called aquatic animals. यानी animals जो कि water यानी पानी में रहते हैं उस animals को हम लोग aquatic animals कहते हैं, ठीक है? इस chapter में आपको क्या करना है, कुछ pictures दिए हैं aquatic animals के, आपको उसको पहचानना है और उसके names लिखने हैं. So let's begin. फर्स्ट वन, फर्स्ट आपका क्या है यहाँ पे, आपको समझ में आ रहा है ये पिक्चर किसका है? देख के ये आपका पिक्चर बना हुआ है शार्क का. अभी अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे फिल करना है यहाँ पे अपने बुक में, ठीक है? मेरे साथ साथ फिल करते जाओगे अपने बुक को भी. क्या लिखना है यहाँ पे, शार्क, SHARK, शार्क. क्या लिखोगे आप यहाँ पे बुक में, शार्क, ठीक है? शार्क एक ऐसा फिश है जिसका कोई भी बोन्स नहीं होता बॉडी में, जिस तरीके से हमारे बॉडी में बोन्स होते हैं ना, लेकिन यहाँ पे शार्क का कोई भी बोन्स बॉडी में नहीं होता है. सेकंड वी हैव सी हॉर्स. सेकंड कौन सा है एक्वेटिक एनिमल्स का नेम है, सी हॉर्स, ठीक है? कौन सा एनिमल है ये, सी हॉर्स. ये सी हॉर्स भी एक फिश है, ठीक है, जो कि वाटर में रहता है. और इसका क्या है, स्नेक की तरह लॉन्ग टेल है, स्नेक की तरह क्या है, टेल बना हुआ है, ठीक है? तो आप क्या करोगे बुक में सेकंड नंबर पे क्या फिल करोगे यहाँ पे, सी हॉर्स, SEACHORSE, सी हॉर्स, ओके. थर्ड नंबर वी हैव डॉल्फिन. आपको अपने फ्रेंड्स के साथ मस्ती करने में बहुत मजा आता है ना, बहुत अच्छा लगता है ना अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने में, मस्ती करने में. उसी तरीके से जो डॉल्फिन है वो भी एक मस्ती करने वाला एक्वेटिक एनिमल है, उसे भी फन और मस्ती करना बहुत पसंद है, ठीक है? तो यहाँ पे आप क्या फील करोगे थर्ड नंबर में, डॉल्फिन. ये कौन सा फिश है, डॉल्फिन, ठीक है, DOLPHIN, डॉल्फिन, ओके. थर्ड नंबर में क्या लिखोगे आप, डॉल्फिन. फोर्थ वी हैव ब्लू व्हेल. कौन सा है पिक्चर बना हुआ, ब्लू व्हेल, ठीक है? ये भी क्या क्या है, लार्जेस्ट एक्वेटिक एनिमल्स है, ठीक है, जो कि 100 फीट लॉन्ग होता है, यानी इतना लंबा होता है, 100 फीट लॉन्ग होता है ये, ठीक है, एनिमल, एक्वेटिक एनिमल. आप फिल करोगे फोर्थ नंबर में, ब्लू व्हेल, BLUE, ब्लू, WHALE, ब्लू व्हेल. फिफ्थ नंबर वी हैव स्वॉर्ड फिश, ठीक है? ये कौन सा आपको दिखाई दे रहा है, किस चीज का पिक्चर है ये, स्वॉर्ड फिश. अब इसका ये नेम क्यों आया, ये आप देख रहे हो, ये पोर्शन इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है, इसके सामने, इसके वजह से इसका क्या नेम आया, स्वॉर्ड फिश. अब आप क्या करोगे फिफ्थ नंबर में फिल करोगे अपने बुक में, स्वॉर्ड फिश, ठीक है? ये भी एक तरह का फिश है, SWORD, स्वॉर्ड, FYSH, फिश, ठीक है? यहाँ पे फिल करना है आपको. नेक्स्ट वी हैव सिक्स नंबर, स्टार फिश. ये कैसा दिख रहा है एक्वाटिक जो एनिमल्स है यहाँ पे, जो फिश है, ये कैसा दिख रहा है आपको बना हुआ, स्टार की तरह, इसीलिए इसका नेम क्या है, स्टार फिश. और ये सी स्टार्स भी कहलाता है, बहुत ही ब्यूटीफुल लुकिंग है ना ये, ठीक है? तो इस आप फिल क्या करोगे सिक्स नंबर में, स्टार फिश, STAR, स्टार, FYSH, फिश. स्टार का आप सभी को पता है ना स्पेलिंग, यू विल फिल हियर इन योर बुक. नेक्स्ट वी हैव सेवेंथ नंबर, जेली फिश. क्या है आपका, जेली फिश, ठीक है? इस फिश का कोई भी ब्रेन नहीं होता है, कोई हार्ट नहीं होता है, कोई भी बोन्स नहीं होता, ना ही आईज होते हैं इसके, ठीक है? जिस तरीके से हम लोग के ब्रेन है ना ह्यूमन बॉडी का, यानी हम लोग के पास ब्रेन है, हार्ट है, बोन्स है, आईज है, लेकिन इस ये जो जेली फिश है इसके पास ये सब कुछ नहीं होता है, ठीक है? सेवेंथ नंबर में आप फेल करोगे जेली फिश, JELLY, जेली, FYSH, जेली फिश, ओके. एट नंबर वी है ऑक्टोपस. ऑक्टोपस किस लिए फेमस है, इसके कितने आर्म्स होते हैं, 8 आर्म्स होते हैं, ठीक है? कितने आर्म्स होते हैं, 8 आर्म्स होते हैं. 8 आर्म्स, आर्म्स किसको कहेंगे, दिस वन, ओके, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. कितने आर्म्स हुए ऑक्टोपस के, 8 आर्म्स, ठीक है? तो ये कौन सा आपका एक्वेटिक एनिमल है, ऑक्टोपस. तो आप यहाँ पे फिल करोगे ऑक्टोपस, OCTOPUS, ऑक्टोपस.
नाइन्थ नंबर वी हैव ईल। ये आपको कैसे दिखाई दे रहा है, स्नेक की तरह ना, लेकिन एक्चुअली में ये क्या है, फिश है। ये क्या है आपका, फिश। ये स्नेक की तरह दिखाई दे रहा है लेकिन ये एक्चुअली में क्या है, फिश है। ओके, नाउ यू विल फिल इन नाइन्थ नंबर ईल, ई एल, ईल। ओके, होप यू माइट हैव अंडरस्टूड ऑल दिस वाटर एनिमल्स। ओके, यू हैव टू फिल दिस चैप्टर, ओके, इन योर बुक। ठीक है, आप इसको फिल करोगे अपने बुक में, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया है, यहाँ पे वन बाय वन फिल करोगे अपने बुक को, ठीक है, और इसे लर्न भी करोगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।